सबका साथ सबका विकास होगा, अपने सांस्कृतिक विरासत का सम्मान होगा और अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति का उत्थान और कल्याण होगा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा शनिवार को एकादशी के पर्व पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वाराणसी पहुंचे। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यहां की सकारात्मक ऊर्जा पूरे देश को ऊर्जावान बनाती है। मानवता के प्रति सम्मान, समर्पण और सेवा का भाव इस धरती से मिलता है। साथ इन्होंने राहुल और तेजस्वी पर विवादित बयान भी दिया। इसके अलावा उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्षी नेताओं की चिंता पर सवाल किए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जातीय जनगणना के नाम पर सत्ता पाना चाहते हैं। नाथ के इस पावन धरती पर एकादशी के दिन हम लोग आराधना प्रार्थना करने कार्यक्रम में आए हैं और यहाँ का सकारात्मक ऊर्जा पूरे देश को ऊर्जावान बनाता है। सब मानवता की रक्षा, मानवता के प्रति समर्पण, सेवा का भाव, इस धरती से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। मंत्री जी, वक्फ बिल को लेकर के तमाम जो मुस्लिम नेता है, दीन दर्शी है, तमाम लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास होगा, अपने सांस्कृतिक विरासत का सम्मान होगा और अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति का उत्थान और कल्याण होगा। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि लालू यादव कभी भाजपा के आगे घुटने नहीं टेके हैं, लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे। तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी, ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। एक राजद के जंगल राज के युवराज हैं, दूसरा भ्रष्टाचारी के युवराज हैं, और ये दोनों का कैरेक्टर चरित्र एक समान है। ये अय्याशी लोग हैं, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले लोग हैं। इनके पिताजी अपने पुत्रों के भविष्य संवारने के लिए कितने बेचारे पाप किए, जनता की गाढ़ी कमाई लूट लिए, जानवरों का चारा तक खा गए, और वो संपत्ति का कैसे ये दुरुपयोग कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन बेटा को पढ़ाने का प्रयास किए, लेकिन नौमा भी नहीं पास कर सके, और अब उपदेश देते चलते हैं, लोगों को ज्ञान बांटते चलते हैं। अरे जो अपना ज्ञान नहीं बढ़ा सका, खिलाड़ी बनने गए थे वहाँ भी फेल होके चले आए, सदन में खेला खेलने चले थे वहाँ झमेला में पड़ गए। तो ये अपने क्षेत्र में असफल व्यक्ति हैं, इन पर लोगों को विश्वास नहीं है। नीतीश जी का आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल जाति जनगणना को लेकर। नीतीश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना कराया था और विपक्ष भी मांग कर रहा है, क्या लगता है नीतीश मॉडल पूरे देश में लागू होगा? मैंने बता दिया कि जातीय गणना तो हर बार होती है, लोग के पास अलग अलग स्टेट को अपना अधिकार है और करवा रहे हैं, और उसके एवज में अपना लोग नीति भी बनाते हैं, इसमें कहां किसी को आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी तो सहयोग किया था, अंतिम व्यक्ति का उत्थान मेरा ध्येय है, लेकिन जो जातीय गणना के नाम पर सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, उन्माद पैदा करके समाज को लड़ाना चाहते हैं, वो गरीबों का हितैषी कभी नहीं हो सकती। देश में जाति जनगणना होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में? अरे ये हमने बताया कि ये पूरे देश का अपना अपना स्टेट का अपना अपना विचारधारा है।